नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24, आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मोदी कैबिनेट की शपथ के बाद महाराष्ट्र की सियासत में लगातार हलचल देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे आज शाम सभी पार्टी सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। सीएम शिंदे ने विधायकों के साथ बैठक शाम 6 बजे बुलाई है। विधायकों की बैठक के बाद शाम 7 बजे सांसदों के साथ वर्षा बंगले में बैठक वो करेंगे। केंद्र में एकनाथ शिंदे गुट के सांसद प्रताप राव यादव को भी मंत्री बनाया गया, लेकिन हलचल देखने को मिल रही है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के समर्थन से वहां पर सरकार बनी हुई है। लोकसभा चुनावों में हालांकि उद्धव गुट ठाकरे की शिवसेना को ज्यादा सीटें मिली थी, बावजूद इसके अजीत गुट शरद पवार के बीच, जहां शरद पवार गुट वाली एनसीपी को ज्यादा सीटें मिली थी, अजीत गुट वाली एनसीपी को कम सीटें मिली थी। तो उसके बाद असली नकली का जो भेद जनता ने साफ किया है, महाराष्ट्र की सियासत में नए घटनाक्रम, बैठकों का दौर, मंथन का दौर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर यही आई है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज अहम बैठक बुलाई और इस बैठक में अपने विधायकों और सांसदों को निमंत्रण भेजा है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में उद्धव ठाकरे ने एमपी एमएलए की बैठक बुलाई है। संजय राउत, अरविंद सावंत भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों पर चर्चा होगी। तो लोकसभा चुनाव के ठीक बाद, जैसा हम कह रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में अब विधानसभा चुनाव है कुछ ही महीनों बाद, उसको लेकर तैयारियां करना सभी ने शुरू कर दिया है। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया, एकनाथ शिंदे से ज़्यादा सीटें हासिल की हैं। दूसरी तरफ शरद पवार गुट एनसीपी, वहां पर भी अजीत पवार गुट के मुकाबले ज्यादा सीट हासिल की हैं। तो महाराष्ट्र विधानसभा में जीत कैसे हासिल की जाए, इसको लेकर अब सभी राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। इसी बाबत उद्धव ठाकरे की तरफ से ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी विधायकों और सांसदों को निमंत्रण भेजा गया है। इस बैठक में संजय राउत और अरविंद सावंत भी मौजूद होंगे। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अंकुश का। अंकुश, लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं, चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन बावजूद इसके महाराष्ट्र में एक के बाद एक नई हलचल हो रही है। एकनाथ शिंदे भी बैठक कर रहे हैं तो उद्धव ठाकरे भी बैठक कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, आज मंडे है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि महाराष्ट्र के सियासत के लिए आज बिजी मंडे है। चार पार्टियां यहाँ पर बैठक कर रही है, दो शिवसेना और दो एनसीपी। एनसीपी की अगर बात करें सबसे पहले, तो आज एनसीपी का स्थापना दिवस भी है। स्थापना दिवस भले एक होगा, लेकिन दोनों ही पार्टी इसे स्थापना दिवस मना रही है। जहां पर अजीत पवार का जो स्थापना दिवस का जो सेलिब्रेशन वो अभी चल रहा है षणमुखानंद हॉल में, वहीं पर शरद पवार की तरफ से ये अहमदनगर में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। शरद पवार के लिए तो खुशी की बात है, क्योंकि हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें से शरद पवार ने 10 में से 8 सीटें हासिल की थी। लेकिन अजीत पवार के लिए मंथन की बात जरूर है, क्योंकि 5 में से 1 सीट ही अजीत पवार जीत दर्ज कर पाए थे। यहां तक कि उनकी जो पत्नी थी सुनेत्रा पवार, वो हार चुकी थी सुप्रिया सुले के सामने। तो अजीत पवार की काफी किरकिरी हुई थी लोकसभा चुनाव में, तो काफी एक सवाल खड़े हुए थे अजीत पवार के, कार्यकर्ताओं को भी एक बूस्ट करना है। तो ये सारी बात को लेकर बैठक चल रही है। आगामी विधानसभा चुनाव है 3 से 4 महीने के बाद में, उसमें रणनीति किस तरीके से होनी चाहिए, क्या कुछ गलती की लोकसभा चुनाव में, उसका खामियाजा ना हो विधानसभा चुनाव में, तो उसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी, मंथन किया जाएगा और कार्यकर्ताओं को संबोधन किया जाएगा अजीत पवार के तौर पे। वहीं अगर दो बैठक की बात करें, तो इस वक्त शिवसेना भवन में, जो कि उद्धव ठाकरे का कार्यालय है, उद्धव ठाकरे ग्रुप का कार्यालय है दादर स्थित में, वहां पर भी सांसदों और विधायकों की बैठक खुद उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में महायुति के साथ साथ जो परफॉर्मेंस है वो काफी निराशाजनक रहा है, लेकिन महाविकास आघाड़ी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। महाविकास आघाड़ी में भी शरद पवार गुट और कांग्रेस का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, लेकिन अगर उद्धव ठाकरे के परफॉर्मेंस की बात करें तो इतना अच्छा नहीं रहा, इतना संतोषजनक नहीं रहा, क्योंकि 21 सीटों पर उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवार उतारे थे और मात्र 9 सीट जीतने में वो कामयाब हुए। तो वहां पर भी उद्धव ठाकरे भी इस बात को लेकर चिंतन मंथन कर रहे हैं कि आखिरकार गलती कहां पर हुई। और खास करके उद्धव ठाकरे के बाद एक चीज का डर और सता रहा है, जैसे कि शिंदे सेना के एक सांसद ने कहा था कि उद्धव ठाकरे गुट के कई सांसद उनके संपर्क में, तो हो सकता है कि पार्टी में जिस तरीके से 2.5 साल पहले बगावत हुई थी, फूट हुई थी, उस तरीके की बगावत एक बार फिर से देखने को मिले। तो वो बगावत ना हो, संभावित
संभावित बगावत ना हो उसको लेकर भी चिंतन मंथन किया जा रहा है और विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटें जीता जाए, क्या रणनीति लेकर लोगों के बीच में जाया जाएगा उसको लेकर भी उद्धव ठाकरे चिंतन मंथन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में बिजी मंडे है। वहीं शाम को एकनाथ शिंदे ने भी अपने पार्टी के विधायक और सांसदों की बैठक वहां पर बुलाई है। एकनाथ शिंदे भी 15 सीटों के आसपास महाराष्ट्र के चुनाव में उतरे थे लोकसभा चुनाव में, लेकिन मात्र 7 सीटों पर वो जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। वहीं पे अगर एकनाथ शिंदे के लिए बात मुश्किल ये भी है क्योंकि कल जो शपथ विधि हुई रविवार के दिन उसमें एकनाथ शिंदे की पार्टी को मात्र एक जो है स्वतंत्र प्रभार का जो बर्थ है वो ऑफर किया गया है उसकी। उनके प्रतापराव जाधव ने उनके शपथ ली है। वहीं पे अजीत पवार कैबिनेट मंत्री के लिए पर जीत पर अड़े हुए हैं। उन्होंने जो ऑफर दिया गया था प्रफुल्ल पटेल को वो उसे एक्सेप्ट नहीं किया। तो यदि आने वाले 2-3 महीने में यदि अजीत पवार को कैबिनेट मंत्री दिया जाएगा तो हो सकता है कि एकनाथ शिंदे का जो कद है मायावती में वो कम हो जाएगा। तो इन सब बातों पर एक चर्चा की जा रही है। कई सारे मुद्दे हैं राजनीतिक पार्टियों के सामने। लोकसभा चुनाव के नतीजों का समीक्षा करना है। 3 से 4 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव है, उसमें क्या रणनीति अपनाई जानी है, क्या कुछ लोकसभा चुनाव में गलतियां हुई वो दोहरानी जाएंगे। तो कई सारे मुद्दे हैं इन सभी राजनीतिक दलों के पास और इन सबको लेकर हर राजनीतिक दल अपने अपने कार्यालय में बैठक कर रहा है। लेकिन ये तो मानेंगे ना अंकुश कि बहरहाल महाराष्ट्र की जनता ने ये साफ कर दिया, क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो था महाराष्ट्र की जनता के सामने, भाई असली एनसीपी कौन है, असली शिवसेना कौन है। इन लोकसभा चुनाव के नतीजों ने यह बता दिया है कि जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है उसको जनता ने ज्यादा तवज्जो दी। एकनाथ शिंदे ने 7 सीटें हासिल की लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने ज्यादा सीटें हासिल की। दूसरी तरफ यही हाल वहां पे अजीत पवार की गुट वाली एनसीपी महज 1 सीट हासिल कर पाई और उधर 10 से 8 सीटें हासिल कर पाई। तो ये बात अब राजनीतिक दल भी पहचान गए हैं कि जनता ज्यादा तोड़फोड़ की राजनीति महाराष्ट्र में पसंद नहीं कर रही है। जनता जो पुराने हैं उद्धव ठाकरे वाली उसी को शिवसेना मान रहे हैं और शरद पवार वाली एनसीपी को ही मान रहे हैं। यह मैसेज भी तो साफ तौर से गया ना अंकुश। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ये मैसेज क्या है बीजेपी के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो एक परसेप्शन है महाराष्ट्र के लोगों में, जो विपक्ष ने लगातार चुनाव प्रचार के तौर पे प्रचार किया था कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया गया और ईडी सीबीआई के बल पे एजेंसी का दुरुपयोग करने के बदौलत ही पार्टियों में फूट की गई और शायद यही वजह थी कि बीजेपी इतना निराशाजनक परफॉर्मेंस रहा, क्योंकि सब पूरा टिकराचा पार्टी को तोड़फोड़ करने की राजनीति का, पार्टी को तोड़ने का, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के मत्थे जो है फूट चुका है। 27 से 28 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी और मात्र 9 सीटें जीतने में हासिल रही थी। अगर अब एनसीपी की बात करें तो यह बात तो जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने साफ कर दिया है कि शरद पवार ही असली चाणक्य हम कह सकते हैं, कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि शरद पवार ने लोकसभा चुनाव में इसे साबित भी किया है। 10 सीटों पे पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, उसमें से 8 सीटों पर वो जीत दर्ज की है और ना सिर्फ 8 सीटों पर जीत दर्ज की है बल्कि उनके पार्टी के कार्यकर्ता के उम्मीदवारों ने उन दिग्गज नेताओं को हराया है जो काफी जेंट माने जाते थे, यानी जेंट किलर के तौर पर उभर के आए। और ये इसलिए भी इसके वाकिफ काबिले तारीफ है शरद पवार के लिए क्योंकि मात्र 2 से 3 महीने पहले ही उनको नया चुनाव चिन्ह मिला था तुतारी बजाते हुए व्यक्ति, तो नए चुनाव चिन्ह के साथ वो लोगों के बीच में गए और 10 में से 8 सीटें जीत के लाए। उनके जो उम्मीदवार है उन्होंने विखे पाटिल, सुजय विखे पाटिल, पंकजा मुंडे, इस तरीके के कपिल पाटिल जो कि केंद्रीय मंत्री है थे मोदी सरकार में, मोदी 2.0 में, उन जैसे उम्मीदवारों को हराया है। तो शरद पवार वाकई में एक योद्धा के तौर पर उभरे हैं, लेकिन अजीत पवार की फिसड्डी हुई है। अजीत पवार खुद 2019 में अपने बेटे पार्थ पवार को नहीं जिता पाए थे तो वो 2024 में उनका जो निराशाजनक परफॉर्मेंस था वो रिपीट हुआ है। अपनी बीवी को सुप्रिया सुले के सामने वो खड़ा किए थे और काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे जिस तरीके से चुनाव प्रचार अजीत पवार कर रहे थे, लेकिन जो चुनाव का नतीजा आया उससे साफ गया कि शरद पवार का जो पलड़ा है वो अजीत पवार से ना सिर्फ भारी है बल्कि कई ज्यादा गुना भारी नजर आया हुआ है, क्योंकि स्ट्राइक रेट जहां पे शरद पवार का 80% था तो वहीं अजीत पवार का जो है मात्र 25% था। लेकिन अगर हम शिवसेना की बात करें तो देखिए दोनों ही शिवसेना में कहीं ना कहीं निराशाजनक है। अगर शिंदे अगर 7 सीट जीते हैं तो उद्धव ठाकरे 9 सीट जीते, लेकिन यह भी देखना होगा कि शिंदे ने 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे तो वहीं उद्धव ठाकरे ने 21 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करें तो शिंदे सेना का स्ट्राइक रेट जो है वो उद्धव सेना के आसपास का ही है, इसलिए उद्धव ठाकरे जो है कहीं ना कहीं इस जो चुनाव नतीजा आया है उससे निराश है और उन्होंने वो लगातार देखिए जब से जो चुनाव नतीजे आए उद्धव ठाकरे लगातार जो है मीटिंग कर रहे अपने निवास स्थान मातोश्री भी उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, जिस दिन चुनाव नतीजे आए थे वहीं उस दिन मीटिंग बुलाई थी, दूसरे दिन भी मीटिंग बुलाई थी और अब सेना भवन में भी मीटिंग चल रही है। तो अगर असली शिवसेना कौन तो इसको लेकर अभी भी जो असमंजस की स्थिति है जो चुनाव नतीजे सामने आए उस पर ऐसा लग रहा है कि असमंजस की स्थिति अभी भी कायम है, क्योंकि स्ट्राइक रेट दोनों ही शिंदे का और उद्धव
सीटों का दोनों सामान्य हुआ है। लेकिन अगर एनसीपी की बात करें तो जनता ने साफ कर दिया है कि शरद पवार के साथ महाराष्ट्र की जनता है, क्योंकि पूरी तरीके से मैंडेट देते हुए 10 में से 8 सीटें वो जीत कर आए शरद पवार। लेकिन ये माने कि एक संभावना बन सकती है कि चाचा भतीजा फिर एक साथ हो सकते हैं अंकुश, क्योंकि पहले कई बार ऐसा कर चुके हैं, भतीजे पहले भी चले गए थे फडणवीस के साथ लेकिन दोबारा फिर लौट के आ गए थे, क्योंकि अब उन्हें अपनी औकात, मतलब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन एक अंदाजा तो हो गया होगा ना कि भाई एनसीपी को सिर्फ एक सीट मिली है, अब क्या दोबारा वो सोच सकते हैं वापस जाने की, उनके सांसद विधायक जो दोबारा चले गए थे? देखिए, जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो दोनों पार्टी की तरफ से अपने अपने स्टेटमेंट भी सामने आ रहे हैं। जिस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे और जो रुझान ही सामने आ रहे थे, लेकिन रुझान से पता चल गया था कि शरद पवार का पलड़ा काफी भारी है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट आया था रोहित पवार की तरफ से। रोहित पवार ने कहा था कि अजीत पवार के गुट के कई सारे जो विधायक है जो शरद पवार को छोड़ के अजीत पवार के साथ चले गए थे वो उनके संपर्क में है और उन्हें वापस से लेना है कि नहीं लेना है ये शरद पवार और पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। तो रोहित पवार की तरफ से स्टेटमेंट आ चुका था। अजीत पवार की बात करें तो देखो, सुबह अजीत पवार एक अपने कार्यालय पहुंचे हुए थे और उनका एक स्टेटमेंट आया कि ठीक है, जो चीजें हो गई आगे किस तरीके से बेहतर रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरना है वो देखना होगा। तो अगर दोनों पार्टी के स्टेटमेंट की अगर बात करें तो इससे साफ लगता है कि दोनों कहीं ना कहीं मिलने के जो आसार है वो कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं कि राजनीति ये कुछ भी हो सकता है, परसेप्शन की का ये पूरा क्षेत्र है। किसी ने सोचा नहीं होगा कि 3 दिन की सरकार बनेगी अजीत पवार के बदौलत। देवेंद्र फडणवीस जो है 2019 में उन्होंने किया था, वो मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन मात्र 3 दिन में अजीत पवार ने अपना समर्थन खींच लिया था। फिर वापस से 2.5 साल बाद अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस वापस से एक हो गए और इस बीच कई बार हमने देखा था कि शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकातें भी होती रही है। तो परसेप्शन है, राजनीति है, इसे कुछ भी संभावनाओं को इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर दोनों ही पार्टी के ऑफिशियल स्टेटमेंट या ऑफिशियल स्टैंड की बात करें तो दोनों पार्टी इसी पर है कि शरद पवार का कहना है कि हमें जनता ने साफ तौर पर मैंडेट दिया है, हमें जरूरत नहीं है पुराने लोगों की, हम नए चेहरे के साथ चुनावी मैदान में जाएंगे, साफ छवि सुथरे लोगों के साथ चुनावी मैदान में जाएंगे। तो वही अजीत पवार का कहना है कि जो पुरानी गलती हो गई है उसकी समीक्षा करेंगे, क्या गलती हुई, कहां खामियां रह गई, इस पूरे बारे में विश्लेषण किया जाएगा और वापस से नए सिरे से, क्योंकि 2 से 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र में हो सकते हैं, तो दोनों ही पार्टी के लिए वापस से अपने आप को प्रूफ करने का एक मौका रहेगा। और हो सकता है कि दोनों पार्टी ने जो गलतियां की है खासकर अजीत पवार गुट ने, वो शायद विधानसभा में ना करे। और शरद पवार के अगर ऑफिशियल स्टैंड की बात करें तो शरद पवार भी इस बात को कह रहे हैं कि हमें पुराने लोगों की जरूरत नहीं है, नए चेहरे के साथ हम जाएंगे, क्योंकि जो लोग उनके साथ रुके हुए थे उनको भी कहीं ना कहीं पार्टी में एकोमोडेट करना है। और हो सकता है कि पुराने लोगों को वापस से ले तो जो लोग उनके साथ रुके थे वो नाराज हो सकते हैं। और बीजेपी की क्या रणनीति हो सकती है अंकुश, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस तो कह रहे हैं कि भाई मुझे अब सिर्फ विधानसभा चुनावों पे फोकस करना है, मुझे डिप्टी सीएम की कुर्सी नहीं चाहिए, वो तो पहले भी उनको जबरदस्ती बनाया गया था। इन सब के बीच बीजेपी को भी समझ आ गया है कि एनसीपी अजीत पवार गुट वाली ताकत क्या है और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की ताकत क्या है, किस स्ट्रेटजी के साथ बीजेपी आगे बढ़ सकती है? देखिए, ये सबसे जो गहरी चोट पड़ी है बीजेपी महाराष्ट्र की राजनीति में वो बीजेपी को पड़ी है। अगर केंद्र में अगर बीजेपी बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है 272 उसे छूने में अगर थोड़ी सी 30 से 35 शॉट पड़ी है तो उसमें सबसे दो राज्य का रोल है, एक तो उत्तर प्रदेश और दूसरी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 28 सीटों पर जो है बीजेपी ने अपने चुनावी उम्मीदवार उतारे थे, उसमें मात्र 9 ही जीत कर आए, तो कहीं ना कहीं 18 से 19 सीटों का बीजेपी को महाराष्ट्र में नुकसान हुआ है। अगर पहले 2019 और 2014 की बात करें तो बीजेपी और अविभाजित शिवसेना गठबंधन ने 40-42 सीटें जो है महाराष्ट्र जीत कराए थे। लेकिन अब अगर बीजेपी की बात करें तो काफी उसका जो ग्राफ है वो लो हो चुका है और इसका जो पूरा ठीकरा है वो देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पे ठीक है। ये जो जोड़ तोड़ की सियासत हुई है, वाकई में अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है महाराष्ट्र में तो वो बीजेपी है। लोकसभा चुनाव में उनकी सीटें घटी जिसकी वजह से वो बहुमत से दूर भी हो गए और अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक है, उसको लेकर भी रणनीति बनानी है। शुक्रिया अंकुश तमाम जानकारी के लिए। रुकते अगली बड़ी खबर का